इलेक्ट्रॉनिक। अब देखो यहाँ से वीडियो पॉज करो और सॉल्व करने की कोशिश करो प्यारे बच्चों। ये कहता है ईसी, ईसी व्हाट इज द ईसी? कलेक्टर इमिटर भाई, कलेक्टर इमिटर ट्रांजिस्टर के जो एम्पलीफायर एक्टिव रीजन में काम कर रहा है। ऑडियो सिग्नल वोल्टेज अक्रॉस द कलेक्टर इज टू, अब इसको भाई एक बार जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है पहले एक बार सर्किट बना लो। सर्किट बनाने से क्या होता है कि हमें पता चल जाता, फीलिंग आ जाती है, ठीक है। बिना सर्किट के हमें तो फील ही नहीं आता है, तो यहाँ से सर्किट बना लोगे तो यहाँ से फीलिंग जनरेट हो जाती है, ठीक है। ये यहाँ से ये एम्पलीफायर है ना, तो येरो लगा दिए तो ये पी हो गया, ये एन होगा और ये एन होगा, तो ये इधर इधर आई ई आ जाएगी, तो इधर आई सी आ जाएगी, और इधर से बेस आ जाएगा, आई बी आ जाएगी, और इधर से बेस रेजिस्टेंस आ जाएगी इधर, और इधर बेस और इमीटर फॉरवर्ड बायस में आएंगे, प्लस माइनस यहाँ से आ जाएगा, और ये निगेटिव तो ये पॉजिटिव रिवर्स बायस में रहता है, तो ये कुछ ऐसा। तो ये सर्किट है, सिंपल सा सर्किट है, बहुत ही छोटा सा सर्किट। कहता अब देखो कलेक्टर रेजिस्टेंस इज 2 किलो, ये जो कलेक्टर रेजिस्टेंस है वो 2 किलो ओम है, ये वाला कलेक्टर, कलेक्टर की साइड इज 4 वोल्ट। व्हाट इज 4 वोल्ट यार? कहता है ऑडियो सिग्नल वोल्टेज अक्रॉस द कलेक्टर रेजिस्टेंस अप टू 4 वोल्ट, मतलब इसके अक्रॉस ये वाला जो वोल्टेज है, ये वोल्टेज 4 वोल्ट है, दिस वोल्टेज इज गिवन 4 वोल्ट, ये प्यारे बच्चों 4 वोल्ट और 2 किलो ओम का। तो ये तो रहा बात आउटपुट वाले सर्किट की, इधर की, इफ द करेंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर इज 100, अगर करंट एम्पलीफिकेशन मतलब जो इनपुट करंट लगाए थे आउटपुट में जाके कितना मिला, करंट एम्पलीफिकेशन इज इक्वल टू आई सी अपन आई बी, तो ये मिला प्यारे बच्चों बीटा, ये मिला इसको 100 टाइम्स मिल गया, चलो बहुत ही अच्छा है। बेस रेजिस्टेंस इज 1 किलो, ये जो यहाँ पर जो रेजिस्टेंस बेस में लगाया गया है वो 1 किलो ओम है, ठीक है। इनपुट सिग्नल, व्हाट इज द इनपुट सिग्नल वोल्टेज? तो यहाँ से जो इनपुट सिग्नल मतलब वो होता है जो यहाँ से दिया गया है यार, यहाँ से ये पॉइंट एक्स है और ये पॉइंट वाई है, तो एक्स और वाई के बीच यहाँ जो सिग्नल लगाया गया, इसके अक्रॉस जो सिग्नल लगाया गया वो कितना हुआ, उसकी हमें वैल्यू निकालनी है, क्लियर है? चलो तो सबसे पहले इधर से हमें सॉल्व करते हैं, क्या क्या दिया है, ये जो है ये जो चीज़ है वो आउटपुट वोल्टेज है, यहाँ से आउटपुट लेते हैं तो ये जो है वो आउटपुट वोल्टेज है, तो आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल टू वो आ जाएगा 4 टाइम्स, और ये एक्चुअली वोल्टेज एम्पलीफिकेशन भी है, तो वोल्टेज एम्पलीफिकेशन मतलब वोल्टेज गेन है, तो यहाँ से लिख सकता हूँ वोल्टेज गेन इज इक्वल टू करेंट गेन और मल्टीप्लाइड बाई रेजिस्टेंस गेन, तो करेंट गेन यहाँ है बीटा 100 टाइम्स और रेजिस्टेंस गेन आउटपुट रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस आउटपुट डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस इनपुट, तो यहाँ से मुझे क्या मिलने वाला है, तो रेजिस्टेंस ये आ जाएगा 100 और आउटपुट रेजिस्टेंस कितना है 2 और डिवाइडेड बाय 1, तो 2 डिवाइडेड बाय 1 मतलब 200 टाइम्स दैट इज द वोल्टेज गेन, ये जो है 200 टाइम्स जो है वो वोल्टेज गेन हुआ, जो इनपुट वोल्टेज लगाया गया था इधर आके वो 200 टाइम्स एम्पलीफाई हो गया है, चलो इतना टाइम्स बढ़ गया है, तो हमें निकालना है इनपुट वोल्टेज, तो यहाँ से अगर इनपुट वोल्टेज लिखोगे, यहाँ से वोल्टेज गेन ऐसे भी लिखा जाता है, आउटपुट वोल्टेज डिवाइडेड बाय इनपुट वोल्टेज ऐसे भी लिखा जाता है वोल्टेज गेन, या वोल्टेज एम्पलीफिकेशन ऐसे भी लिखा जाता है, तो यहाँ से इनपुट वोल्टेज की जो वैल्यू आ जाएगी वो आउटपुट वोल्टेज डिवाइडेड बाय वोल्टेज गेन, तो आउटपुट वोल्टेज ये वाला दैट इज 4 वोल्ट और वोल्टेज गेन यहाँ से 200 आ गया, तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स, तो ये आ जाएगा 2 किस में दिया, मिली में दिया है, तो 10 से ऊपर नीचे और मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा 20 मिली एम्पियर, 20 मिली वोल्ट आ जाएगा ना यार, वोल्टेज है ना, तो 20 मिली वोल्ट मेरे प्यारे बच्चों, ये जो चीज़ है, तो यहाँ से ये जो चीज़ आ जाएगी फाइनली मेरे प्यारे बच्चों, बी ऑप्शन सही है।
चलो इसको हम अगले लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं, और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखो, मोटिवेटेड रहो, एनर्जेटिक रहो, सबसे बड़ी बात है यार पॉजिटिव रहो, खुश रहो, किसी के बारे में ज़्यादा उल्टा सीधा किसी के बारे में नहीं बोलो, क्यों बोलो, अपने काम से काम रखो। और अगर डॉक्टर और इंजीनियर हो तो एक बात याद रख लो, ढंग से याद रख लो, तुम्हें ज़िंदगी भर काम आ जाएगा। मतलब मुझे याद करोगे, कोई बताया था मेहनत करना तो तुम्हारे ब्लड में होता है, मेहनत तो तुम्हें आज कम कर रहे हो, अभी तुम्हें लग रहा होगा बहुत मेहनत है नीट जेईई का आना, पर सच बताऊँ जब तुम डॉक्टर इंजीनियर बन जाओगे तब कितना मेहनत करना पड़ेगा। और वो ऐसा नहीं कि वो दबाव में करते हैं यार, मेहनत करना हमारा शौक है यार, हमें उसी में मज़ा आता है, कोडिंग में ही मज़ा आता है, हम मतलब हमें उसी में डूबते रहते हैं, हमें पता ही नहीं चलता कितने घंटे हम काम कर चुके यार। तो ये वाली चीज़ जो होती है वो आदत हो जाती है, लत में हो जाती है, इंजीनियरिंग कॉलेज मेडिकल कॉलेज में जाएंगे तो ऐसे आदमी बन जाता है यार, तो हमें उसी में मज़ा आता है हार्ड वर्क में, तो अभी से वो आदत डाल लो अगर किसी के अंदर नहीं है तो। चलो थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।